Hello everyone, welcome to this live teleconferencing session for Diploma in Early Childhood Care and Education. Hum log ab course number 3, yani Services and Programs for Children, yani DECE3 ke sabhi units ke upar charcha kar rahe hain. Block 1 humne khatam kar diya hai baatcheet mein aur block 2 mein hum children with disabilities, vishesh avashyaktaon wale bacche ya viklangta wale bachchon ke upar baatcheet shuru kar rahe hain. Kal humne bahut gehrai se samjha ki kis prakar नज़रिया जो है विकलांगता के प्रति यह बदला है और हमारा नज़रिया जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो किस प्रकार का होना चाहिए. हमने यह समझा है कि जो बच्चे की विकलांगता है या डिसेबिलिटी है वो केवल एक आंशिक उस बच्चे का जो है वो केवल एक पार्ट है, वो एक केवल एक हिस्सा है. बाकी सब चीज़ों में बच्चा जो है और बच्चों की तरह ही है और हमें उसको अलग का नज़रिया ना रखते हुए उसको हमें ये सोचना है कि किस प्रकार हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को अपने साथ ही समावेश कर सकेंगे. और आज अब हम बात करेंगे, तीन बातों पे आज हम बात करेंगे. वो ये कि किस प्रकार डिसेबिलिटी विकलांगता का इफ़ेक्ट बच्चे पे किस प्रकार का हो सकता है, और एक शिक्षक या प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों के दौरान एक कार्यकर्ता होने के नाते आपकी क्या भूमिका है, और साथ में यह समझेंगे कि जब कोई किसी परिवार में कोई चाइल्ड विद डिसेबिलिटी होता है तो माता पिता या जो उसके बहुत नज़दीकी के जो रिश्तेदार या केयर गिवर्स हैं उनको क्या भावनाएं महसूस होती हैं, और उसके तहत हमारा क्या रोल हो जाता है माता पिता को ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट करने का. तो ये सब चर्चा जारी रहेगी और लगभग आज अब से 35 मिनट बाद आप लोग अपने प्रश्न पूछेंगे तो हम कॉल्स लेंगे. पहले थोड़ी सी हम अपने यूनिट्स पे ही चर्चा कर लें. तो आइए देखते हैं कि डिसेबिलिटी का बच्चे पे प्रभाव. तो यहाँ हमारा केवल मतलब यहाँ पे डिसेबिलिटी से जो बच्चे के ऊपर शारीरिक या मानसिक प्रभाव है वह तो है ही, पर उसके अलावा जो हम यहाँ पे इस समय बात कर रहे हैं वो ये है कि उसका मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रूप से बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है. और बच्चे के लिए भी अगर डिसेबिलिटी बाद में आई है, अगर शुरू में बच्चे को कोई डिसेबिलिटी नहीं थी प्रारंभिक वर्षों में और बाद में आई है, तो बच्चे के लिए भी कई बार डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो हर काम बाकी सभी बच्चों की तरह करता जा रहा था. और इस कारण बच्चे को अपनी विकलांगता या अक्षमता के कारण हो सकता है दूसरों से एक हीन भावना महसूस हो, वो दूसरों को अवॉइड करे, थोड़ा सा लोगों से बातचीत ना करना चाहे जिसके कारण वो शर्मीला या विड्रॉन, लोगों से अलग थलग लगे. और इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि कई बार बच्चों को होता है कई ऐसे कि जो उनमें विकलांगता है वो एक किस्म से उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है. तो उनको लगता है अच्छा मुझ में ये मुश्किल है परंतु मुझे इसको आगे बढ़ के इसको हटाना है, मेरे को इसके जितने भी मेरे को इसके कारण कठिनाई या चैलेंजेस हैं उनको मुझे दूर करना है या उनके ऊपर मुझे काबू पाना है. अक्सर कई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ ही हैं जो पहल करते हैं, और फिर जो पूरा परिवार है जब वो देखता है कि बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस या इतनी डिटर्मिनेशन है या इतनी एक्सेप्टेंस है तो पूरा परिवार भी फिर उस तरीके से पॉजिटिवली ओरिएंट हो जाता है. तो बात हमारा यहाँ पे ये कहने का है कि बच्चा अपनी विकलांगता के प्रति कैसा नज़रिया वो रखेगा ये बहुत हद तक इस पे डिपेंड करता है कि उसके परिवार में या उसकी ज़िंदगी में जो उसके सिग्निफिकेंट पीपल हैं, सिग्निफिकेंट पीपल मतलब वही जिनसे बच्चे को लगाव है, माता पिता या क्लोज रिश्तेदार, वो किस प्रकार से बच्चे के साथ बिहेव करते हैं. अगर वो बच्चे को सकारात्मक एटीट्यूड्स से रवैया उसके साथ बातचीत और उसके देखभाल करते हैं, अगर वो उसको छोटा नहीं महसूस कराते, अगर वो उसको जो भी उसकी क्षमता है उसी में उसको प्रेरित करते हैं और उसी में अपना एक सेंस ऑफ प्राइड लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो बच्चे का इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है. कई बार हमें पता नहीं चलता हमारी कोई एक लाइन कितनी दूर तक किसी व्यक्ति को मोटिवेट करके ले जाती है, और एक किस्म से वो हमें वो जो किसी की मोटिवेटिंग लाइन है वो एक स्मृति के रूप में हमें काम करती है कि अच्छा ये व्यक्ति सोचता है मैं ऐसे कर सकता हूँ तो फिर तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ. और वहीं किसी जो हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स की कोई ऐसी बात, अरे छोड़ो तुमसे क्या फ़ायदा, ये तो तुमसे होगा ही नहीं, कोशिश करने का क्या फ़ायदा, ऐसे अगर हम कह देते हैं तो अगर व्यक्ति कुछ कर भी पाता है तो वो नहीं कर पाएगा. तो बहुत केयरफुल होना है हमें, और स्पेशली एज टीचर्स ये एक ऑब्जर्वेशन
जब कई बार जब स्कूल हम विजिट करने जाते हैं तो ये डेफिनेटली मेरी रही है कि इवन चाहे बच्चे विदाउट डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी हों, हर समय हम थोड़ा सोच के बोलें हमारे शब्द क्या हम उच्चारण कर रहे हैं। कई बार हम केवल शब्द बोल देते हैं बिना ये सोचे कि इसका सामने वाले व्यक्ति या बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम सोचते नहीं हैं क्योंकि हम अपने ही शायद टेंशन में या काम करने की ख़त्म करने की उसमें अपने विचारों का जो प्रभाव किसी को हतोत्साहित या प्रोत्साहित करने के लिए हो सकता है उस पर ध्यान नहीं देते। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब पेरेंट्स का या सिग्निफिकेंट अदर्स टीचर्स का भी एटीट्यूड सपोर्टिव अंडरस्टैंडिंग पेशेंट और इनकरेजिंग होता है तो बच्चा अपने बारे में सकारात्मक भावनाएं बनाता है और उसको लगता है कि ठीक है मेरे को एक सेंस ऑफ एडिक्वेसी कि हाँ मैं कर सकता हूँ या जो मैं हूँ मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ, यह भावना उसके अंदर विकसित होती है। और यदि हमेशा ओवर प्रोटेक्शन रहा या बच्चे को रिडिक्यूल हमने उसका मजाक उड़ाया या जो वो कर सकता था वो भी करने को नहीं दिया तो बच्चे में हीन भावना और अपने प्रति लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कर पाऊंगा या नहीं, हो पाएगा का ये नहीं, चढ़ पाऊंगा सीढ़ी के नहीं, यह वाली भावना हमारी बनी रहेगी और बच्चा जो है वो रिजेक्टेड और इनकॉम्पिटेंट, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता या वर्थलेस अपने आप को इस प्रकार से बच्चा महसूस करेगा। अब इस सब में जो एक नज़र ये डालते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोफेशनल, चाहे आप टीचर हैं या बच्चों के साथ क्रेश इत्यादि में काम कर रहे हैं या प्री स्कूल में काम कर रहे हैं कहीं पे, तो हमारा क्या रोल है। तो सबसे प्रमुख रोल, क्योंकि हम बिल्कुल प्रारंभिक वर्षों में बच्चा हमारे पास आने वाला है, ये काफ़ी संभव है कि हम ही एज ईसी प्रोफेशनल बच्चे की डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई ये हम ही करें। ये बहुत संभव है कि माता पिता को पता भी ना हो कि उनके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, क्योंकि यदि तो कोई ऑब्वियस इम्पेयरमेंट होगी तो वो तो तुरंत दिख जाएगी। कोई दृष्टि दोष अगर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा पा रहा बच्चे को या कोई चल पाने में कठिनाई, यह तो बिल्कुल साफ दिख जाता है। परंतु कई बार सुन ना पाना या भाषा का विकास उतना नहीं है, कम बोलना बच्चे का या चीज़ों को ग्रहण करने में समय लगना, कठिनाई होना, यह बातें कई बार माता पिता खुद इसको नहीं पहचान पाते हैं। तो इसलिए पहला हमारा रोल एज अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर, हमारे पास कोई भी बच्चा आए हम ज़रूर ये अपनी नज़र में रखें, क्योंकि हमारी ये ट्रेनिंग है, हमें पता है कि अलग अलग उम्र पे बच्चे क्या क्या करते हैं, उनकी क्या अबिलिटीज़ होती हैं। तो हम हमेशा ये ध्यान में रखें कि क्या जो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं क्या ये एज अप्रोप्रिएट एबिलिटी दिखा रहे हैं। अगर एज अप्रोप्रिएट एबिलिटी नहीं दिखा रहे तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। सस्पेक्ट का मतलब हम केवल यह सोचें कि यह संभावना है, ये नहीं कि हाँ है। सस्पेक्ट का मतलब हमें अभी गारंटी नहीं है, हमें पक्का नहीं है कि बच्चे में डिसेबिलिटी है, पर हमें ऐसे लगता है कि डिसेबिलिटी है। अगर है, हमें ऐसा कुछ फीलिंग आती है, तो हम बच्चे को थोड़ा अपनी तरफ से ही और गहरा ऑब्जर्व करें, ज़्यादा उसके ऊपर डीपली फोकस करके करें। और अगर ऐसा कुछ लगता है तो माता पिता को फिर यह सुझाव देना कि बच्चे को अब नेक्स्ट लेवल कोई मेडिकल डॉक्टर या प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक में ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे में कोई विकलांगता या डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इस समय ये बहुत क्रिटिकल रोल है आपका। और आगे जब हम बात करेंगे माता पिता के एटीट्यूड्स का, तो उसमें हम यही बात करेंगे कि इतना आसान नहीं होता है अपने बच्चे की विकलांगता को एक्सेप्ट कर लेना। तो हमें बड़ा सेंसिटिवली ये बातें माता पिता के साथ करनी है। हम जब ये समझेंगे माता पिता के स्टेजेस से गुजरते हैं तो हम उनको अगर हमें ये तथ्य हमें बताना है कि बच्चे में कुछ विकलांगता है, तो हम उसको थोड़ा और पेशेंस से, समानुभूति से और सेंसिटिविटी से माता पिता को बताएंगे। तो एक तो हमारा रोल ये हुआ। दूसरा हमारा रोल ये है कि बच्चा अब हमारे पास आ गया है तो हमें बच्चे का एजुकेशनल प्रोग्राम लाना है। तो अब ये तो ठीक है कि बच्चा हो सकता है कहीं पे उसको कोई प्रोफेशनल हेल्प भी मिले, पर जब तक प्रोफेशनल हेल्प बच्चे को मिल रही है और हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन में बच्चा है या हमारे क्रेश में बच्चा है, तो हम ये देखें कि हमें किस प्रकार अपना टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी अडेप्ट करनी है ताकि बच्चे के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और जो उसके चैलेंजेस हैं दोनों को साथ में लेते हुए हम उसका विकास कर पाएँ। तो एज चाइल्ड केयर वर्कर्स या इसी प्रोफेशनल्स हम ये जानते हैं उम्र के हिसाब से क्या खेल क्रियाएं या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों को करानी है। अब अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, कोई चाइल्ड विद डिसेबिलिटी हमारे पास है, तो हमें ये अपना एक्टिविटी कराने का ढंग या हमारा जो ये मटेरियल है इसको अडेप्ट करना होगा।
अडेप्टेशंस काफ़ी सिंपल ही होती हैं और काफ़ी कॉमन सेंस वे में हमें समझ आ जाती हैं। कई बार हम लोग ये कह देते हैं कि मैं तो नहीं कुछ कर सकती क्योंकि मेरे को तो ट्रेनिंग नहीं मिली स्पेशल नीड्स में, या मुझे तो डिसेबिलिटी में ट्रेनिंग नहीं मिली। नाउ पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग मिलती होती तो बहुत अच्छा, बट अ सेंसिटिव एंड अ सेंसिबल एजुकेटेड टीचर, हमारे पास इतनी अकल है कि अगर हमारे पास कोई चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है तो हम अपने कॉमन सेंस तरीके से अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी एट्सेट्रा में या अपने प्ले मटेरियल्स में परिवर्तन ला सकें कि वो बच्चे का विकास हो। हाँ, अगर किसी फॉर एग्जांपल कई बार स्पेस्टिसिटी जैसी डिसेबिलिटी होती है जिसमें बच्चे के मसल मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो उस समय हम ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, क्योंकि अगर हम बच्चे की मसल मूवमेंट्स को कुछ गलत तरीके से अगर हम हिला देंगे या हाथ पैर को हम गलत तरीके से मोड़ देंगे तो बच्चे को हानि हो सकती है, वो सही है। परंतु जो हमें अपनी रोज़मर्रा की टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हम ये वेट ना करें कि कोई ट्रेंड व्यक्ति आके मुझे बताएगा, या जब मुझे सरकार या कोई और प्रशिक्षण देगा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए तब मैं उसको अडेप्ट कर पाऊंगी, या मेरे स्कूल में तो एक स्पेशल एजुकेटर है उसी के पास जाके ये बच्चा सीख सकता है, मेरे पास नहीं। ऐसा हम ना समझें, क्योंकि हमें ये समझें हमेशा कि जो अबिलिटीज़ हैं ये एक रेंज में हैं। इवन चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज में एक रेंज होती है, तो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी जो है वो भी इसी रेंज के तहत है। हमें अपनी क्रिएटिविटी से अपने पढ़ाने लिखने का तरीका बदलना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा शेप बोर्ड है और हम शेप बोर्ड के ऊपर अगर कोई चाइल्ड विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो तो उसको प्लेन सी अलग अलग शेप्स नहीं समझ आएंगी, परंतु हम इजिली हर शेप के आसपास अगर धागा लगा देते हैं तो बच्चा टच के द्वारा उन शेप बोर्ड्स को या चीज़ों को महसूस कर सकता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बॉल गेम खेल रहे हैं और कोई श्रवण दोष वाला बच्चा है जिसको सुनाई नहीं दे रहा, तो अब कोई दृष्टि दोष वाला बच्चा है जिसको दिख नहीं रहा कि हम बॉल फेंकने वाले हैं, तो अगर हम ऐसी बॉल लें जिसमें आवाज़ आती है, मतलब बॉल के अंदर घुंघरू है, तो जब हम वो बॉल फेंकेंगे उसकी तरफ बच्चे की तरफ तो बच्चे को पता चलेगा कि मेरे पास बॉल आ रही है। इनफैक्ट क्रिकेट का खेल का भी बहुत अच्छी तरीके से इसी तरीके से मॉडिफिकेशन किया जा सकता है टू इंक्लूड अ चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट इन द गेम। तो उसके लिए जब आप बॉल फेंकें तो उसमें अगर वो आवाज़ वाली गेंद है तो बच्चे को पता रहेगा कि मेरी तरफ में बॉल आ रही है। तो इस प्रकार से हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों को इंक्लूड करने के लिए, और ये ना हम अपने हाथ ना खड़े कर दें कि ये हमसे किस प्रकार होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। तीसरा जो आपका रोल है वो रोल है कि माता पिता के साथ आपको सदैव कम्युनिकेट करना है। पहला तो हुआ ही कि जब आपने विकलांगता के बारे में माता पिता को बताया, पर उसके बाद भी जब आप बच्चे के साथ उसका एजुकेशनल प्रोग्राम कार्यान्वित कर रहे हैं तो माता पिता को बिल्कुल बताना है कि किस प्रकार वो जो आप काम घर पे कर रहे हो माता पिता किस प्रकार उसे घर पे आप जो काम सॉरी स्कूल में कर रहे हो माता पिता कैसे वो काम घर पे चालू रख सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड विद डिसेबिलिटी का विकास हर एक और हर बच्चे की तरह एक टीम वर्क है, परंतु चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के केस में टीम वर्क थोड़ा हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, बस यही फ़र्क है। तो माता पिता से लगातार हमारा संपर्क बना रहे, और बिल्कुल जब हम बच्चे के साथ अपने डे टू डे इंटरेक्शन में डील कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि हम बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का ही विकास करें, हमारे एक्शंस बिहेवियर वे ऑफ टॉकिंग ऐसा हो कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का ही विकास हो। तो इसके साथ अब हम अपना जो इसका रिलेटेड हम अपना पॉइंट शुरू करना चाह रहे हैं, ये बात समझते हुए कि हमारा रोल क्या है, हम इस अब थोड़ा और गहराई में ये समझेंगे कि माता पिता किस प्रकार के भावनाएं महसूस करते हैं, और एज एन ईसी वर्कर एज अ टीचर या एज अ चाइल्ड केयर वर्कर हमारा क्या रोल रह सकता है टू हेल्प पेरेंट्स कोप विद देयर चाइल्ड्स डिसेबिलिटी। तो यही है फोकस अब इस विषय का जो अब हम आगे करने जा रहे हैं। ये हमारा जो यूनिट नंबर 6 है इसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम ये समझें कि क्या भावनाएं माता पिता महसूस करते हैं, किस प्रकार उनको इनसे निपटने में हम मदद करें, किस प्रकार माता पिता को यह समझाएं कि वो अपने बच्चे को कैसे मदद कर सकते हैं अपने चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए, एक जब चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज फैमिली में है तो परिवार में किस प्रकार के स्ट्रेस हो सकते हैं यह समझेंगे हम, और हम यह भी समझेंगे कि हम अपने स्किल्स किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, हमारी अपनी माता पिता के साथ अंतक्रिया करने के लिए स्किल्स हम किस प्रकार बढ़ाएं ताकि हमारी इंटरैक्शंस माता पिता के साथ पॉजिटिव रहें। तो पहले हम ये समझें कि जब भी कोई बच्चा परिवार में
पैदा होता है तो परिवार में उसके रूटीन, परिवार के इंटरेक्शन पैटर्न्स में फ़र्क तो आएगा ही, इट इज़ नेचुरल। हम वेट भी करते हैं कि अच्छा बच्चा आएगा, पहले से ही बहुत प्लानिंग कर लेते हैं। परंतु जब चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है तो हमें ये समझना है कि तुरंत ही फैमिली के ऊपर एक एडिशनल स्ट्रेस या एडिशनल चैलेंज आ जाता है। वैसे ही बच्चे की देखरेख में बहुत समय जाता है। अब अगर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है और वो डिसेबिलिटी इमीडिएटली दिख रही है तो उसमें और भी माता पिता को काफ़ी अपने एडजस्टमेंट्स होनी पड़ेंगी। और इमोशनल स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल है और हम यह समझें कि एक्सेप्टेंस जो है, डिसेबल्ड चाइल्ड को एक्सेप्ट करना एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगेगा। तुरंत एक या दो दिन में ये बात नहीं होगी। हम इस सेंसिटिविटी से माता पिता को इस नज़रिए से देखें, इस सेंसिटिविटी से देखें, तभी हमारा सारा इंटरेक्शन उनके साथ सेंसिटिव होगा। माता पिता को कई बातों के बारे में सोचना है। फॉर एग्जांपल, अगर पहला ही बच्चा है जिसको विकलांगता है और अगर विकलांगता जेनेटिक है यानी वंशानुगत है तो माता पिता को सोचना पड़ेगा या एटलीस्ट कोई प्रोफेशनल सलाह लेनी पड़ेगी कि दूसरा बच्चा करना चाहिए कि नहीं, क्या ये वंशानुगत डिसेबिलिटी बच्चे में दूसरे बच्चे में आ सकती है। अपने आप में ही ये हम देख ही सक रहे हैं कि कितनी एक स्ट्रेसफुल बात है। और हो सकता है कि कभी माता पिता को शहर तक बदलना पड़े, अपनी नौकरी तक बदलनी पड़े, क्योंकि जहाँ वो हैं वहाँ पे उस बच्चे की विकलांगता के संबंध में कोई सेवा ही ना हो। तो इससे हम देख सकते हैं किस प्रकार उनकी पूरी जीवन शैली में ही एक फ़र्क आने वाला है। उनके आर्थिक स्थिति पे भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि उसमें पैसे की आवश्यकता होगी। और ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स एकदम तुरंत इतने ही दुखी हो जाएं चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के समाचार समझने पे या सुनने पे कि वो बच्चे को निग्लेक्ट करें, जबकि उल्टा बच्चे को तो ज़्यादा प्यार और नर्चरेंस की आवश्यकता है। तो उनको यह ना पता हो, यह भी संभव है कि वो चाहते तो हैं बच्चे की देखभाल करना परंतु उनको पता ही नहीं है कि कैसे देखभाल करें। अगर अब ये डिसेबिलिटी है तो इस बच्चे की कैसे देखभाल करनी है, क्या करना है, क्या उसकी विशेष ज़रूरतें हैं, इसके बारे में उनको पता ही ना हो। तो यह सब कितने पेरेंट्स को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जो आसपास के लोग हैं या जो रिलेटिव्स हैं वो कई बार नकारात्मक सोच भी क्रिएट करते हैं, जबकि हो सकता है अपने आप में पेरेंट्स इतने नकारात्मक ना हों। या कई बार हम जस्ट ऐसे ही अपने कोई भी होम रेमेडीज़ इत्यादि सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, विच समटाइम्स दे मे बी गुड बट समटाइम्स दे मे बी वेरी इनअप्रोप्रिएट। तो ये सब जो चीज़ें हैं, होम रेमेडीज़ इत्यादि करना, यह सब बहुत सोच समझ के और बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी सलाह हमें माता पिता को देनी चाहिए। तो ये देखते हैं माता पिता क्या भावात्मक, उनके क्या मनोवेग किस प्रकार के होते हैं, उनकी जो भावनाओं जो हैं, कौन सी उनकी स्टेजेस जो हैं, ये किस प्रकार की होती हैं। तो एक डंकन नामक रिसर्चर हैं जिन्होंने यह पढ़ा है, ऑब्जर्व करके, जिन पैर माता पिता के विकलांग बच्चे हैं उनको ऑब्जर्व करके ये देखा है कि ऐसे माता पिता अक्सर 5 भावात्मक स्टेजेस से जाते हैं। पहला स्टेज तो है जिसको हम कहते हैं कि शॉक, यानी उनको एकदम मानसिक आघात लगता है। और दूसरा जो स्टेज है जिसको वो कहते हैं बार्गेनिंग, यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो लेन देन का नज़रिया। इन बातों पे हम आगे और स्पष्टीकरण करेंगे। तीसरी स्टेज है एंगर, यानी रोष, बहुत गुस्सा होना आसपास अपने पे, बच्चे पे। चौथा एक स्टेज है डिप्रेशन, अवसाद। और बहुत अंत में आके स्टेज आती है ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार्यता, बच्चे को जो माता पिता को जो बच्चा जन्मा है उसको स्वीकार कर लेना। तो ये जो 5 इमोशंस हैं इनके बारे में हम विस्तार से अभी बातचीत करेंगे, परंतु यह समझ लें कि ये 5 हमारे एक मोटी रूप में हमने इमोशंस बताई हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट यही इमोशंस हर एक इनमें से हर 5 इमोशंस एक्सपीरियंस करेगा। यह भी जरूरी नहीं है कि माता पिता दोनों ही ये इमोशंस एक्सपीरियंस करें। इट इज पॉसिबल दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स एक्सपीरियंसेस सम इमोशंस एंड अनदर पेरेंट एक्सपीरियंसेस अ डिफरेंट सेट ऑफ इमोशंस। किस स्पीड से वो या क्या कितना समय लगेगा उनको एक इमोशनल स्टेट से दूसरी इमोशनल स्टेट आने में, इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं।
कोई माता पिता में से कोई एक जल्दी ही इन सारी स्टेजेस से गुजर सकता है और कोई एक माता पिता एक स्टेज पे काफ़ी समय तक टिका भी रह सकता है। तो ये हम केवल एक ब्रॉड तरीके से समझ रहे हैं, ये कोई ऐसा बात नहीं है कि बस ऐसा ही होता है या इसके अलावा माता पिता और कोई मनोवेग महसूस नहीं करते, वो भी वो महसूस करते हैं। और पॉइंट हम ये क्यों बात कर रहे हैं, माता पिता के मनोवेगों के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मेन बात ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है, जैसा कि हम स्लाइड में भी कह रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ पेरेंट्स फील एंड वी नीड टू डेवलप एम्पथी एंड पेशेंस। इसलिए हम ये पेरेंटल इमोशन स्टडी कर रहे हैं ताकि वी एज चाइल्ड केयर वर्कर्स और टीचर्स हम पेरेंट्स को समझ सकें, ताकि उनके कुछ एक्शंस और बिहेवियर्स होंगे तो हमें माता पिता के एक्शंस या बिहेवियर्स पे गुस्सा नहीं आएगा, हम चिड़चिड़ापन नहीं करेंगे, हम इरिटेटेड नहीं होंगे, हम हर्ट नहीं फील करेंगे, क्योंकि हमें यह समझ होगी कि अगर इस समय माता पिता ऐसा बोल रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। तो यही बात मैं यहाँ पे इसी स्लाइड में आपको बताई है कि हर पेरेंट अलग रिएक्ट करेगा, कोई कितना देर एक स्टेज में रहता है ये डिपेंड करता है, अगर घर में और रिश्तेदार हैं तो ये उनके एटीट्यूड्स भी बहुत पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस ऑफ इमोशंस लीनियर नहीं है, यानी ऐसे नहीं कि पहले पेरेंट्स शॉक रहेंगे, फिर बार्गेनिंग, फिर एंगर, ये एक साइक्लिकल है। कई बार एंगर के बाद एक्सेप्टेंस लगता है आ गई, परंतु फिर कुछ दिनों बाद लगता है अरे एक्सेप्टेंस तो चली गई, ये तो फिर दोबारा एंगर ही आ गया। तो ये जो है ये साइक्लिकल है ये प्रोसेस, ये ज़रूरी नहीं है कि लीनियर प्रोसेस है। तो चलिए समझे कि शॉक यानी कि मानसिक आघात इसमें क्या है, फीलिंग माता पिता महसूस करते हैं। तो प्रारंभिक फीलिंग, जैसे ही माता पिता को पता चलता है कि बच्चे में कोई विकलांगता है तो मतलब डिसबिलीफ होता है, कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, नहीं ये तो नहीं हुआ होगा, संभव नहीं है। गिल्ट भी हो सकता है, अरे मैंने कुछ किया इसके कारण तो नहीं हुआ कुछ, शायद मैंने कोई ऐसा एक्शन किया, शायद मैंने किसी के बारे में ऐसा सोचा तब ये ऐसा हुआ होगा। और कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो ऐसा जिसको हम कहते हैं डिनायल, मानते नहीं हैं, ना मानना, अपने आप को स्वीकार नहीं करवाते हैं कि बच्चे में कोई विकलांगता है। वो ये कहते हैं कि नहीं सब ठीक है, मान लो अगर कोई कहे कि मैंने तो आवाज़ लगाई पर तुम्हारे बच्चे ने तो सुना नहीं, तो बजाय इसके कि माता पिता अगर अभी शौक में हैं तो वो ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं बच्चा तो उस समय टीवी ज़्यादा तेज़ चल रहा था ना, इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुन पाया, इसलिए वो उसने मुड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये चीज़ ये पॉसिबल है कि ये चीज़ हो कि बच्चे ने टीवी चल रहा हो और बच्चे ने ना सुना हो, परंतु अगर ये बात बार बार होती है और फिर भी पेरेंट्स उस चीज़ को मानने से मना करते हैं तो हम तब कहेंगे कि पेरेंट्स अभी डिनायल की स्टेज पे हैं। डिनायल मतलब किसी बात को ना मानना। अब हम डिनायल की स्टेज में पेरेंट्स क्यों हैं, क्योंकि यह मानना कि मेरे बच्चे में विकलांगता है ये बहुत स्ट्रेसफुल बात है पेरेंट के लिए। तो अभी पेरेंट्स का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है उसमें पेरेंट्स को यह फील हो रहा है कि ये बहुत वो सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, दिस इज हैपनिंग एट अ अनकॉन्शियस लेवल, कि मानो ही ना कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, मानेंगे नहीं कि प्रॉब्लम है तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी। ये बहुत प्लान करके इस प्रकार से नहीं सोचा जाता है, परंतु हमें एज टीचर्स या एज प्रोफेशनल्स हमें ये समझना चाहिए कि ये फीलिंग माता पिता में हो सकती है, ताकि हम उनको उस सेंसिटिविटी से उस समय डील करें। वंस अगेन, अगर माइल्ड बच्चे की डिसेबिलिटी अगर माइल्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तब तो और भी ये चांस हो जाता है कि पेरेंट्स सोचें कि बच्चा तो बाकी बच्चों की तरह ही है, नॉर्मल है, तब ये डिनायल की स्टेज है, ये ज़्यादा देर तक चल सकती है, क्योंकि डिनायल से वो अपनी एंग्जाइटी से बचते हैं। और एक्चुअली डिनाई करना उनका एक स्थिति के साथ कोप करने का यानी सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका है, ये पॉजिटिव तरीका नहीं है, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो नेक्स्ट कदम नहीं उठाएंगे डॉक्टर के पास जाना या उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाना या कुछ और करना। तो एक्सेप्ट डिनायल से तो हटना है, परंतु बात हम ये कह रहे हैं कि जब तक पेरेंट्स डिनायल में हैं तब तक हम समझें कि वो डिनायल में क्यों हैं और हम उनके साथ इम्पेशेंट ना हों।
एक और काम करते हैं इस समय माता पिता, जब ये शॉक की फीलिंग में होते हैं कि अक्सर एक डॉक्टर से दूसरे पे जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद ये डॉक्टर कह दे कि सब कुछ ठीक है मेरे बच्चे के साथ। तो कभी कभी तो बच्चे की विकलांगता ऐसी होती है कि एक से ज़्यादा डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, वो है तो ठीक है, परंतु अगर ये केवल एक से इस उम्मीद में कि शायद दूसरा सही कह दे, तो यहाँ पे हमें पेरेंट्स के इस व्यवहार को भी पेरेंट्स के सामने लाना है कि ये कहाँ तक आप उचित कर रहे हैं, ये शायद आपका ठीक नहीं है। कभी कभी बच्चे, जैसे मैंने कहा, रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज मतलब उसके लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जैसे नहीं नहीं उसने तो सुना नहीं क्योंकि टीवी ज़्यादा चल रहा था, यानी हमने उस चीज़ को रैशनलाइज कर दिया। तो इस रैशनलाइजेशन में रहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। और कई पेरेंट्स जब इनिशियल शॉक ख़त्म हो जाता है तो फिर वो देखने लगते हैं कि किस प्रकार अब मैं अपने बच्चे की हेल्प कर सकता हूँ, किस प्रकार उसकी डिसेबिलिटी को मैं ओवरकम करने में उसको हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी जो हमने स्टेज की बात करी थी वो थी बार्गेनिंग, यानी लेन देन का नज़रिया। इसको हम सीधे शब्दों में समझे तो ये मतलब है कि कई पेरेंट्स इनिशियल शॉक के बाद इसमें आ जाते हैं, अच्छा अगर मैं दूसरों का भला करूँगा तो मेरे बच्चे का भला हो जाएगा, है ना, तो मैं उसके लिए अच्छा करूँगा तो ये मेरे लिए अच्छा, ये मेरा बच्चा इससे ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करने में कई बार वो दूसरों की भलाई के कई कामों में जुट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कोई गरीबों की संस्था के साथ जुड़ जाएं, या कोई डिसेबल्ड चाइल्ड की संस्था के साथ जुड़ जाएं, या टीचर को हेल्प करने लगें, या धर्म का सहारा लें और किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ के लोगों का भला करने में लगें। तो ये अपने आप में ये ठीक है, हम किसी संस्था के साथ जुड़े और भला किया, परंतु पॉइंट ये है कि हमें पेरेंट्स को यहाँ पे रियलिटी चेक कराना पड़ेगा कि ऐसे लेन देन के नज़रिए से बच्चे की स्थिति शायद ठीक नहीं होगी। बच्चे की स्थिति को ठीक करने के लिए हमें बच्चे के लिए जो एफर्ट्स करने हैं, मेडिकल प्रोफेशनल, टीचिंग, लर्निंग, स्टिम्यूलेशन, लव, नर्चरेंस, इनकरेजमेंट, यह सब देना है। किसी का भला करके हमारा सिचुएशन ठीक हो जाएगी ये नहीं हो पाएगा, यह आराम से माता पिता को समझाना है। तीसरी जो हमने इमोशनल स्टेट की बात करी वो है एंगर, जिससे पेरेंट्स गुजरते हैं। अब गुस्सा आना नॉर्मल है, अब ये गुस्सा किस बात पे है, गुस्सा उनको अपनी स्थिति पे है कि ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये जो हमारा माता पिता का गुस्सा है ये किसी के भी तरफ डायरेक्ट हो सकता है, टू यू एज टीचर, डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर्स किसी काम के नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है क्या करना है, ये सब नहीं जानते हैं, रिश्तेदारों पे हो सकता है, दोस्तों पे निकल सकता है, बच्चों पे निकल सकता है, और इन सब लोगों को अपने बच्चे की कंडीशन के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। अंदर कहीं माता पिता को भी पता है कि ये सही नहीं है, परंतु अभी जब तक स्वीकार्यता नहीं आएगी यह सब मनोवेग माता पिता के मन में चलेंगे, और हमारा कार्य है इनको समझना। कई बार वो अपने लाइफ के सर्कमस्टेंस की गरीबी के कारण, या ये तो हमारी फैमिली में चलता ही है उसके कारण ये आ गया है बच्चे को, उसके कारण भी वो लोग माता पिता इसको ब्लेम कर सकते हैं। एक कॉल है, कॉल लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद, पूछिए। हेलो मैडम, मैं विद्या बोल रही हूँ मैडम। हाँ, आपकी डी सी कोर्स से 1 ईयर कोर्स है कि 4 ईयर है मैडम? मैडम इंग्लिश या हिंदी में बोलिए, इंग्लिश या हिंदी में? ओके मैडम, डी सी कोर्स है ना मैडम? हाँ, वो 4 ईयर का है कि 1 ईयर का कोर्स? फुल मिनिमम 1 ईयर का, और आप 4 साल तक लगा सकते हैं इसे पूरा करने के लिए। मिनिमम प्रोजेक्ट वर्क 1 ईयर के लिए कंप्लीट करना है मैडम। अगर आप एक, आपने कब एनरोल किया है? अभी जुलाई मैम, जुलाई 2019। ओके, तो अगर आप 1 साल में प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं हर हालत में, तो आपको जून में तीनों पेपर्स डीसी 1, 2, 3 के एग्जाम देने पड़ेंगे। एग्जाम फॉर्म का लिंक खुला हुआ है, और अगर आपको प्रोजेक्ट भी इसी टाइम में खत्म करना है तो 15 मई तक आपकी प्रोजेक्ट फाइल हमारे पास आ जानी चाहिए। और अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आपके पास अगले 4 साल तक टाइम है, 2024 तक, उसके दौरान आप कभी भी सबमिशन कर सकते हैं। अगले दिसंबर में एग्जाम 4 साल के बाद आएंगे मैडम? हाँ, रिजल्ट क्या चीज मैडम? एग्जाम फिर 4 साल के बाद आएंगे। एग्जाम 4 साल के बाद आएंगे, मेरे ख्याल में आप ये पूछ रहे हैं, आपकी क्लियर आ नहीं रही। एग्जाम हर 6 महीने में होते हैं, अगर आप अभी जून में एग्जाम नहीं देंगे तो आप दिसंबर में दे सकते हैं, फिर जून, फिर दिसंबर, फिर जून, फिर दिसंबर। ओके ओके,
ओके, हम माता पिता के भावनाओं के बारे में बात कर रहे थे जो वो महसूस करते हैं जब बच्चों की विकलांगता उनके सामने आती है या जब उनको घर में कोई विकलांग बच्चे का जन्म होता है। तो गुस्सा जो माता पिता का है वो टीचर्स, डॉक्टर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या दूसरे बच्चों पे भी निकल सकता है, उतार सकते हैं वो। और कई बार वो अपनी हेरिडिटी, अपनी वंशानुगत या अपनी सर्कमस्टेंस, गरीबी, इसके ऊपर भी अपना गुस्सा निकाल सकते हैं कि इस कारण हुआ बच्चे में विकलांगता। आपको खासकर अगर आपने माता पिता को पहली बार आपने बताया है कि बच्चे में विकलांगता है तो माता पिता का आपके ऊपर भी गुस्सा काफ़ी निकल सकता है। और ये पॉसिबल है कि वो ये कहें कि अब आपका ही पूरा दायित्व है, आप बच्चे को संभालिए, आपने ही बताया, आप ही बताइए क्या करना है। और इसमें आपके समय के ऊपर आपको काफ़ी समय वो एक्सपेक्ट करें कि अब आप सारा समय आपके उनका जो है वो आपके बच्चे को देखने में निकले। ऐसे भी कई बार माता पिता का नज़रिया हो सकता है जो हमें अनरीजनेबल लग सकता है कि मैंने तो इनको बताया उल्टा, पर अब ये देखो मेरे को ही कह रहे हैं कि आप ही मेरे बच्चे को ठीक करो। तो पर हम अगर ये बात मानसिकता कहाँ से आ रही है ये समझेंगे तो हम उनके साथ थोड़ा और पेशेंटली बिहेव करेंगे। हाँ जी फतेहगढ़, आप पूछिए। यस फतेहगढ़, प्लीज आस्क, पूछिए फतेहगढ़, अपना क्वेश्चन पूछिए। आई थिंक कॉल कनेक्ट नहीं हुई है फतेहगढ़ जी। अब माता पिता अगर इस प्रकार का रोष दिखा रहे हैं, एंगर दिखा रहे हैं, तो उसके साथ हमें डील कैसे करना है? तो पहली बात तो हम यह समझें कि हमें उसके पीछे का हम कारण देखें। माता पिता गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है बच्चे के साथ कैसे डील करना है, या वो अपने आप को बच्चे की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहते और उसको उनका बेस्ट तरीका यही लगता है कि दूसरों के ऊपर गुस्सा करो, और यह गुस्से का मतलब है कि उनका दोष है। तो यह सभी बच्चे को अभी स्वीकार ना कर पाने के कारण है, यह स्टेजेस सभी स्वीकार्यता में कमी के कारण है। हमें माता पिता के एंगर, जब माता पिता गुस्सा दिखाएं तो उनके एंगर के प्रति हम एंगर से रिएक्ट ना करें और ना ही हम उसे पर्सनली लें। हम ये ना लें अरे देखो मैंने तो उल्टा इनको बताया, देखो ये क्या कर रहे हैं, मैं तो उल्टा इनके बच्चे के साथ इतना करती हूँ पर ये फिर भी मुझे गुस्सा करते हैं। तो हम इस चीज़ को पर्सनली ना लें, इंस्टेड हम समझें कि ये एंगर उनका टेम्प्ररी फेज है। हमें उनके साथ रीजनिंग करके, लॉजिकल बात करके, अलॉन्ग विद सहानुभूति एंड समानुभूति, बोथ सिंपथी एंड एम्पथी करते हुए हमें उनको रीजनिंग के द्वारा उस सिचुएशन से डील करना है, और उनको जहाँ तक हमारे को बेस्ट संभव हो हम उनको काउंसलिंग करें, यानी उनको समझाएं कि क्या स्थिति है और उन्हें क्या करना है। हाँ कभी कभी यह होता है कि जितना ज़्यादा हम उनका गुस्सा बर्दाश्त करेंगे उतना ज़्यादा वो डिमांडिंग और एंग्री और होते जाएं। तो पॉइंट यह है कि कुल मिला के हमें जज करना पड़ेगा कि माता पिता की पर्सनैलिटी कैसी है, सिचुएशन कैसी है, और उस हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करें। कुछ के साथ हमें नम्रता का व्यवहार करके उनके एंगर को हम पार कर सकते हैं, कुछ के साथ हमें शायद थोड़ा सा ज्यादा फर्म बिहेवियर दिखाना पड़े। यस पटियाला, आस्क योर क्वेश्चन पटियाला। यस पूछिए। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आपने ये भी बताया कि जो एग्जाम के लिए लिंक आपने फॉर्म, हाँ हाँ हाँ, एग्जाम का लिंक, तो आप हमारे पास मैसेज आएगा, कैसे फिल करना है हमने वो? नहीं, एग्जाम का लिंक का हो सकता है मैसेज आए, परंतु आप इग्नू की वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट के ऊपर कंप्यूटर में देखिए, जो एग्जाम का लिंक अगर एक्टिवेटेड होगा तो वहाँ पे वो दिखेगा खुद। आप मैसेज का वेट मत करिए, आज या कल अपना चेक कर लीजिए, घबराने की बात नहीं है, ये लिंक पूरा मार्च भर में खुला रहेगा। ओके, पर खुद ही थोड़ा कंप्यूटर की वेबसाइट पे जाइए, कल मैं वो लिंक ढूंढ के आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूंगी कि कहाँ पे लिंक दिखता है वो वेबसाइट पे, कल मैं टीवी पे डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगी। ओके, कभी कभी क्या होता है, हम माता पिता के एंगर या रोष की बात कर रहे थे कि माता पिता का रोष डिसेबल्ड चाइल्ड पर ही डायरेक्ट हो जाता है, और यह बहुत एक अफसोसजनक स्थिति है क्योंकि डिसेबल्ड चाइल्ड पे एंगर डायरेक्ट होने से माता पिता उसको
मारपीट कर सकते हैं, उसको वर्ली या फिजिकली अब्यूज कर सकते हैं. इस सिचुएशन से हमें सतर्क रहना है और ये सिचुएशन अवॉइड करनी है. वी हैव टू बी वेरी अवेयर कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा परिवार में. और गुस्से की भावना तब पनपती है जब माता पिता को कुछ दिखता नहीं कि मेरे बच्चे में ऐसा क्या है जिसके मैं प्राउड हूँ, ऐसा क्या है जो मैं बता सकता हूँ कि देखो मेरा बच्चा ये करता है, क्योंकि वो हर समय अपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पे माता पिता की ये समझ हमें बनानी है कि हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल है और अपने बच्चे को किसी और से कंपेयर ना करें. परंतु जो बच्चा जिस समय जो कुछ नया सीखता है या कोई नया अकम्प्लिशमेंट दिखाता है उस पर खुशी लें और उसके ऊपर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करें. ये कहना बहुत आसान है, यहाँ दो मिनट में मैंने कह दिया, परंतु इसको जीवन में ढालना बहुत मुश्किल है. परंतु पॉइंट ये है कि इसी के तरफ हमें प्रयास करने हैं. मायूसता आने का हमारे पास चांस नहीं है. हमें लगातार पेरेंट को मोटिवेट करना है. पेरेंट कई बार मायूसी में जाएंगे और हमें कई बार उनको उस गुस्सा और मायूसी से बाहर निकालना है. बच्चा जो कर पा रहा है कि देखो अब तो ये बैठने लगा है, देखो अब तो इसने आज पहला शब्द बोला, इस प्रकार करके बच्चे को, माता पिता को बच्चे के प्रति हमें मोटिवेट करना है और उनको हमेशा उसका पॉजिटिव सिचुएशन बताना है. हाँ जी, तारन तारन से क्वेश्चन है, पूछिए. आप लोग एक अपने टीवी का वॉल्यूम धीरे कर लीजिए, क्योंकि आपको जब आवाज वापस जाती है तो आप वहां पे डिस्टरबेंस होता है. आप पूछिए, वेट कर रहे हैं. क्वेश्चन पूछिए तारन तारन से. ओके, आप फिर ट्राई कर लीजिए, लग नहीं रहा है, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है. कभी कभी माता पिता का गुस्सा उनके स्व के प्रति भी डायरेक्ट हो सकता है. वो अपने ऊपर ही अब गुस्सा जो है अंदर अपने आप पे डायरेक्ट कर लेते हैं. नहीं, बिल्कुल हो सकता है अपनी कोई भी फीलिंग्स ना दिखाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं, किसी को भी कुछ प्रकट ना होने दें कि वो क्या महसूस कर रहे हैं. उसको हम कहेंगे कि एंगर जो है वो अंदर की तरफ टर्न हो गया है. अब सेल्फ ब्लेम में वो चले गए हैं, अपने आप को बच्चे की स्थिति के लिए दोषी ठहरा रहे हैं और इससे फिर अवसाद या डिप्रेशन की भावना आ जाती है. तो पेरेंट्स को हमें यह समझाना है कि हाँ, यह समझाएं कि गुस्सा होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उससे वो गिल्ट ना उनको लगे. क्योंकि हम आम माता पिता भी अपने बच्चों के प्रति गुस्सा करते हैं, परंतु जब बच्चा में डिसेबिलिटी होती है तो कई बार माता पिता को ये गिल्ट की भावना आ जाती है कि अरे एक तो मेरे बच्चे में डिसेबिलिटी है, दूसरा मैं उसको गुस्सा भी करता हूँ. तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये हमारी जो फीलिंग्स हैं ये नॉर्मल है. तो बच्चे को, माता पिता को पहले ये फील कराना है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो नॉर्मल हैं एंड इट इज़ ऑल राइट टू फील सम एंगर, बट वी हैव टू मूव फर्दर एंड डू समथिंग टू हेल्प द चाइल्ड. कुछ माता पिता जो उनका हर्ट, फ्रस्ट्रेशन और एंगर है इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डालते हैं कि वो कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई संस्था इत्यादि ज्वाइन कर लेते हैं. संस्था इत्यादि में योगदान जब देते हैं, कार्य में बिजी रहते हैं, तो एंगर, गुस्से, डिप्रेशन की भावना नहीं आती. बात बहुत अच्छी है, परंतु यहाँ पे हमें वंस अगेन ये देखना है, कई बार माता पिता इस काम को एक एस्केप रूट बना लेते हैं. यानी कि खुद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम में इतने बिजी हो जाएंगे कि अब घर आके उनके पास बच्चे के साथ टाइम व्यतीत करने के लिए टाइम नहीं है. घर पे आए, खाना पीना खाया, थके हुए हैं, सो गए. तो ये भी एक किस्म से जब ऐसे कर रहे हैं वो, तो वो सिचुएशन अवॉइड कर रहे हैं. अपने आप को काम में इतना बिजी डाल दे रहे हैं कि अब उनके पास एनर्जी नहीं है बच्चे के साथ बातचीत करने की. और बच्चे के साथ क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो जो उनका गुस्सा है वो उनको कम होता महसूस हो रहा है. डिप्रेशन जो है वो कम महसूस हो रही है, एंग्जाइटी कम महसूस हो रही है. परंतु बच्चे के लिहाज से ये उचित नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को कोई सकारात्मक योगदान उसकी डेवलपमेंट के लिए नहीं दे रहे. फतेहगढ़, आप पूछिए क्वेश्चन. हेलो. हाँ मैडम. हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हाँ जी मैम, मैं ना जेड़ा तुसी तीसरा तीजा नंबर क्वेश्चन है ना असाइनमेंट तीन दा जी. हाँ असाइनमेंट से. हाँ मैडम, पर ओके तुसी पूछो. मैं पहले भी क्या सी ऐसी असाइनमेंट नेक्स्ट वीक डिस्कस करना शुरू करेंगे. हाँ जी, जेड़ा तुसी आज मैम समझाया नहीं हैगा. नहीं, मैं आज नहीं समझाना सी ना, असाइनमेंट अगले हफ्ते तो डिस्कस करांगे. ठीक है,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟ ਖ ਐਂਡ ਗ ਕਰੋ, ਪਾਰਟ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ, ਪਾਰਟ ਖ ਐਂਡ ਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਾਲਾ ਮੈਮ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਸ਼੍ਰਵਣ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਦੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ DEC 3 ਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਏ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਪ ਲੋਕ ਕਰੀਏ। ਹਮ ਖੁਦ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਤੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਭੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕੁਐਰੀ ਮਤ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਅਭੀ ਆਜ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋਊਂਗੀ 11, 12, 13 ਮੇਂ ਹਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਂਗੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਜੋ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਯਾ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀਏ, ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਪਾਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਨੇ। ਰਾਈਟ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਡ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗਾਈਡ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੰਪ ਹੀ ਉਸੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਬਾਅਦ ਮੇਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸਮੇਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਅਫਸਾਦ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨਕੇ ਬੱਚੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਅਫਸਾਦ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਯਾ ਉਨਕੋ ਅਫਸਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਾ ਭਵਿਸ਼ਯ ਜੋ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਕੋ ਬੱਚੇ ਕਾ ਭਵਿਸ਼ਯ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਭਵਿਸ਼ਯ ਕੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੀਕ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟਲੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਉਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਸੇ ਜੋ ਟਰਮ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋ ਹੈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸੋਰੋ ਯਾਨੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੇਸਿਸ ਪੇ ਸੋਰੋ। ਉਨਕੋ ਯਹ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਂਬੀਵੈਲੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਐਂਬੀਵੈਲੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਭੀ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੋਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਇਰੀਟੇਟ ਚਿੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਗਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਬੱਚੇ ਹੈਂ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਬੱਚੇ ਮੇਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮ ਐਸੀ ਐਂਬੀਵੈਲੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇ ਵੀ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮ ਐਸਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਥੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਬ ਯੇ ਚਾਈਲਡ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਬ ਐਸੀ ਐਂਬੀਵੈਲੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਲਗੇ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਯੇ ਵੀ ਲਗੇ ਕਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਰ ਪੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਥਾ, ਐਸਾ ਸਵਾਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਾ ਸੋਚਣਾ। ਤੋ ਉਨਕੋ ਬਹੁਤ ਗਿਲਟ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਖਰਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੋਚ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਤੋ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ। ਤੋ ਐਂਬੀਵੈਲੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਂ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਜਿਨਸੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਭੀ ਕਭੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਵੋ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਪਰ ਹਮ ਇਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਆਗੇ ਨਿਕਲ ਲੈਤੇ ਹੈਂ। ਹਮ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੂਡ ਕੇ ਕਾਰਨ ਯਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਥਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਬ ਬੱਚੇ ਮੇਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋ ਇਨਸੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਗਿਲਟ ਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਂ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਸੋਚ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬੱਚੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਤਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਅਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਤੀ ਹੂੰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਟ ਕੀਆ ਹੋ, ਅਗਰ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਮੇਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਲਿਖੀਏ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਵਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚੁਣਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪੇਰੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਲਗਤੇ ਹੈ ਜੋ ਉਨਕੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਏ ਆਪਣੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ,
और गिल्ट है, साथ में गुस्सा है क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन है, और इस सब के कारण, एंजाइटी के कारण उनको डिप्रेशन हो जाता है। कई माता पिता को लगता है, एक सेंस ऑफ शेम भी लगती है अपने बच्चे को लेके, और एक भय भी लगता है कि अगर सोसाइटी को पता चल गया कि मेरा बच्चा विकलांग है तो क्या होगा। तो उनको, क्योंकि इसमें एक शर्म भी महसूस हो रही है कि मेरा बच्चा डिसेबल्ड है, या दूसरों से रिजेक्ट होने का डर है कि अगर उनको पता चल गया मेरा बच्चा विकलांग है तो शायद मुझसे बातचीत करना बंद कर दें, या मुझे अपनी सदस्यता से हटा दें। तो ऐसा सोचने के कारण कई माता पिता अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं कि बच्चे को छुपा देते हैं, तो कई सालों दर साल पता ही नहीं चलता कि इस परिवार में डिसेबल्ड चाइल्ड है, या अगर उसको छुपाएंगे नहीं तो अपने साथ कहीं बाहर नहीं लेके जाएंगे, या तो घर में कोई लोग आएंगे तो बच्चा को कमरे में ही बंद रखेंगे, और या खुद भी जब बाहर जाएंगे तो उसको अपने साथ में नहीं लेके जाएंगे। ये दोनों ही स्थिति जो है ये बहुत हानिकारक है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता ये तो नहीं चाहते कि हम अकेले ही जाएं, बच्चा नहीं ले जा रहे, उनको ये बात भी खराब लगती है, तो वो क्या करते हैं, टोटली खुद भी जाना कहीं बाहर बंद कर देते हैं। यानी एक माता पिता तो हो सकता है खुद जाएं पर बच्चे को ना ले जाएं, बच्चे को छुपा के रखें, और एक दूसरे किस्म के माता पिता ये हो सकते हैं कि बच्चे को भी छुपाया और खुद भी सबके साथ सारा सोशल कॉन्टैक्ट काट दिया और खुद ही टोटली विड्रॉ हो गए। तो ये दोनों स्थितियाँ हर एक के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, और इसमें ये टोटली इसमें डिप्रेशन में जाना जिसको कहते हैं, ये वो हुआ है। हाँ जी मनसा पूछिए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैंने ना प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात करनी थी। पूछिए। जिसमें वो गाइड की टिप्पणी लिखनी है ना, उसमें गाइड की, गाइड ने जो लास्ट में टिप्पणी देनी है, हाँ, उसकी अगर कोई उसकी तरह कोई लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी या इंग्लिश, हाँ। ओके मैम। अब अगर माता पिता डिप्रेस्ड हैं तो हमें कैसे हैंडल करना है? वंस अगेन, सबसे पहले माता पिता को यह महसूस कराएं कि जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। डू नॉट मेक देम फील दैट द फीलिंग्स दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग आर रॉन्ग। इट इज नॉट रॉन्ग। ना ही उनके ऊपर आप एक जजमेंट देखें, अरे कैसे माँ बाप हैं आप, देखिए आप क्या डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये कोई ठीक बात है? इस प्रकार का जजमेंटल टोन ना अपनाएं। ना ही उनके साथ इम्पेशेंट हो, ये ना कहें आपको कितनी बार तो समझाया है, बच्चे के साथ आप कुछ करेंगे तो ठीक हो जाएगा ना, आप तो करते ही नहीं हैं, यानी हम इम्पेशेंट हो रहे हैं, ऐसे ना हो। हमें उन्हें समय देना है अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने का और अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का। हमारा रोल होना चाहिए कि उनको सिचुएशन की पॉजिटिव साइड दिखाएं और अवसाद में वो ना घिर जाएं, इससे वो बचें। पॉजिटिव साइड दिखानी है परंतु फॉल्स होप्स नहीं रेज करनी है। झूठ ना बोलें कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, देखिए जी आप देखेंगे 2 साल में बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मल चलने फिरने लगेगा। अगर ऐसा होने की कोई चांस नहीं है तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स ना दें। यानी माता पिता को पॉजिटिव साइड दिखाएं, बच्चे की वीकनेस या जो चैलेंजेस हैं उनको थोड़ा छोटा करके बताएं, परंतु उनके फॉल्स होप्स ना रेज कर दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। काउंसलिंग और माता पिता से निरंतर बातचीत करनी होगी। माता पिता को कुछ सकारात्मक गतिविधि में इन्वॉल्व करें, उन्हें अपने सेंटर में आने को कहें, स्कूल में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने को कहें, क्योंकि डिप्रेशन का एक काउंटर डोज जिसको हम कहते हैं वो है कि हम कुछ पॉजिटिव काम करें, तो अपने बच्चे के लिए या आप स्कूल के लिए कुछ पॉजिटिव काम करें। परंतु ये बिल्कुल नज़र रखें माता पिता पे कि अगर वो डिप्रेशन सही नहीं हो रहा और लॉन्ग समय तक चल रहा है तो उनको किसी प्रोफेशनल काउंसलर की ज़रूरत होगी। यहाँ पे काउंसलर माता पिता को भेजना भी एक चैलेंजिंग बात हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में लोग अभी भी काउंसलर के पास जाना पागलपन की निशानी समझते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ जी फतेहगढ़ पूछिए। यस फतेहगढ़ आस्क। आई थिंक कट रहा है, आया नहीं। काउंसलर के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि हम दिमागी रूप से बीमार हैं। काउंसलर के पास जाने का केवल ये मतलब है कि हम खुद अपनी सिचुएशन से निपट नहीं रहे हैं, ना पा रहे हैं, और कुछ समय के लिए अगर हमें कोई और कोई हमें स्ट्रेटजीज या एडवाइस देता है
तो उसको लेने में कुछ भी नुकसान नहीं है। इस प्रकार का नजरिया हम खुद भी बनाएं और माता पिता को भी बताएं। जब माता पिता बच्चे के स्वीकार करने लगेंगे तो उनमें एक्सेप्टेंस की फीलिंग्स आएंगी। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, हमें माता पिता को बच्चे को एक्सेप्ट करने की ओर ले जाना है। और कैसे पता चलेगा हमें कि माता पिता ने बच्चे की डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है? तो ये कुछ हमने वो लक्षण बताए हैं कि किस प्रकार पता चलेगा। अगर माता पिता अपने बच्चे के बारे में एक रियलिस्टिक व्यू रखते हैं, यानी उनको पता है मेरा बच्चा क्या कर सकता है और कहाँ वो क्या नहीं कर सकता, यानी वास्तविकता से वो परिचित हैं, वास्तविकता से भाग नहीं रहे हैं। अगर आप उनके बच्चे के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो वो डिस्कशन में आराम से बात कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि देखिए मुझे लगता है आपके बच्चा तो शायद ये पास सामने बिठाना चाहिए क्योंकि उसको दिखने में मुश्किल है, तो वो इस बात को नकारेंगे नहीं, वो कहेंगे हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम, उसको पास में ही बिठाने की ज़रूरत है क्योंकि दिखने में उसको प्रॉब्लम है। यानी कि जब हम इस तरीके से अपनी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो यानी हमने अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है, तो इससे आपको पता चलेगा माता पिता ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं। हाँ जी फतेहगढ़ पूछिए। हेलो। हाँ हाँ मैडम बोलो। हाँ जी मैम सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम साडा ना स्पेशल रिसोर्स के अंदर है मैडम। हाँ हाँ जी मैम उसमें ना हमने हमारे पास 30 बच्चे हैं, स्पेशल हैं सभी। हाँ सभी मैडम आप अपना टीवी का वॉल्यूम धीरे करिए, आपको अपनी ही आवाज कानों में आ रही है और आप रुक रहे हैं। हेलो मैम। मैडम अगर आपका स्पेशल केंद्र है, आपको काम तो प्री प्राइमरी के बच्चों के साथ करना है, आपको प्री प्राइमरी के स्कूल में जाके ही काम करना पड़ेगा। आपको अगर छुट्टी लेने की आवश्यकता है तो आप छुट्टी लेके काम करें। स्पेशल बच्चों के केंद्र में स्पेशल बच्चों के साथ ये प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है परंतु ये प्री प्राइमरी के बच्चों के साथ काम है। अगर आपके प्री प्राइमरी के बच्चे हैं आपके केंद्र में? हाँ जी मैम हैं, 0 से 18 साल तक बच्चे हैं हमारे। हाँ पर प्री प्राइमरी के कितने हैं? प्री प्राइमरी के होंगे 10 बच्चे होंगे मैम। तो आप 10 प्री प्राइमरी के 6 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं वो? मैम 3 साल से बच्चे हैं, 3-4 साल से। 3-4 साल से और 6 साल की उम्र में 10 बच्चे हैं? हाँ जी मैम हैं। अगर आपके पास 3 से 6 साल के 10 बच्चे हैं, चाहे वो स्पेशल बच्चे हैं, आप अपना प्रोजेक्ट वर्क वहाँ करिए, पर आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा आप वहाँ पे करके, आपको क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो आपको आपकी रिपोर्ट इत्यादि में ये दिखाना होगा कि किस प्रकार से आपने हर अलग बच्चे के लिए अपनी एक्टिविटी अडेप्ट करी, है ना? क्योंकि अभी समय जा रहा है, आप थोड़ा इस बारे में सोचिए। फॉर एग्जाम्पल आप पहले प्रोजेक्ट वर्क पढ़िए और आप ये देखिए कि जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ हमने बताई हैं करने के लिए, आप उनको किस प्रकार अपने डिसेबल्ड बच्चों के साथ, स्पेशल बच्चों के साथ किस प्रकार अडेप्ट करेंगी। अगर आप अडेप्ट कर सकती हैं तो आप अपने केंद्र में उन बच्चों के साथ कर लीजिए, और अगर आपको करना मुश्किल लग रहा है उनके साथ तो फिर आप को अवकाश या छुट्टी लेकर प्री प्राइमरी के दूसरे सेक्शन, दूसरे स्कूल में जाके आपको करना होगा। तो थोड़ा सोचिए और अगली कल की या 11-12-13 की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में थोड़ा चर्चा कीजिए और बातचीत करिए कि किस प्रकार आप अगर अपने यहाँ काम करती हैं तो कैसे उनको अडेप्ट करेंगी। यस रूपनगर आई थिंक। हाँ जी पूछिए पूछिए मैडम। मैम मेरे साथ ना मेरे पास ही स्कूल में एक वॉलंटियर है, स्पेशल बच्चों वाला ही है, उसने डीईसी ऑलरेडी किया हुआ है, उसको अपना गाइडर बना सकती हूँ? नहीं, कई बार कह दिया कि अगर कोई स्टूडेंट अभी हमारे इग्नू के डिप्लोमा का स्टूडेंट है, चाहे वो स्टूडेंट ने ईटीई या जेबीटी की हो, वो आप एक दूसरे के गाइड नहीं बन सकते। ठीक, अगर वो स्टूडेंट नहीं होता इग्नू के डिप्लोमा का तब गाइड बन सकता था, अभी नहीं बन सकता। नहीं मैम उसने ऑलरेडी 12-13 सेशन में किया है। 12-13 में बीटीई किया है? हाँ पहले कर चुका है, 6 साल पहले। अभी इग्नू का हमारा कोर्स कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा है, कर चुका है ऑलरेडी, पहले किया हुआ है।
तो पहले किए हुए से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, हम तो कह ही रहे हैं कि जो जे डीईसी का जिसने पहले कर रखा है ब्लंट ईयर है वो करने उससे हम गाइड हो सकते हैं। हाँ, अगर वो अभी आपके साथ 2019 में या 2020 में स्टूडेंट नहीं है, पहले का स्टूडेंट है और उसका कंप्लीट हो चुका है डीईसी कोर्स, उसको डिप्लोमा मिल गया है, तो वो आपको गाइड कर सकता है। ठीक मैम। ओके, समय खत्म हो रहा है, पर ये आखिरी दो स्लाइड्स इसकी हम करेंगे क्योंकि ये हमारी लास्ट स्टेज है। तो स्वीकार्यता जब माता पिता को आ जाती है तो वो बच्चे के बारे में, मैंने बोला वास्तविक उसके जो पॉजिटिव्स हैं और जो चैलेंजेस हैं पहचान पाते हैं और डिस्कस कर पाते हैं बिना गुस्सा हुए, ना ही वो आपको अवॉइड भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको कोई डिनायल नहीं है, वो जवाब देने में भी हेजिटेट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है। जो काम बच्चा कर सकता है उसमें वो फख्र महसूस करते हैं, उसके जो भी अचीवमेंट्स हैं उस पर वो खुशी महसूस करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि वो बच्चे को स्वीकार कर लिया है, वो बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट नहीं करते। यानी जो अगर कोई ओवर प्रोटेक्टेड पेरेंट्स क्या करेंगे कि कोई मुश्किल की बात लगी तो कहा अरे रहने दो बच्चे से नहीं करेंगे हम ही कर देंगे। मान लो किसी बच्चे को चलने में मुश्किल है और वहाँ कहीं स्टेयर्स हैं तो ओवर प्रोटेक्टेड पेरेंट्स शायद उस बच्चे को कोशिश नहीं करने देंगे कि वो स्टेयर से उतरे। परंतु जब बच्चे को पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो ट्राई करते हैं कि ओके लेट अस सी कहाँ तक बच्चा कुछ कर सकता है, ऑफ कोर्स बच्चे को हानि ना हो ये बात का ध्यान रखते हुए। तो ऐसे पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया वो ओवर प्रोटेक्शन नहीं करते, वो बच्चे के प्रति हार्श नहीं होते, उनका बात करने का ढंग बिहेवियर का ढंग अप्रोप्रिएट होता है, उसकी कोई अब्यूज़ फिजिकल या वर्बल अब्यूज़ की बात नहीं होती, उनको बच्चे से शर्म नहीं आती, ना ही वो बच्चे को छुपाते हैं। वो अपने काम कर सकते हैं, अपने काम में भी अपनी हॉबीज़ या अपना काम करते हैं, परंतु ओवर इन्वॉल्व नहीं होते अपने काम में, यानी उनका काम उनके लिए एस्केप नहीं बनता। अपना काम कर रहे हैं अपने क्योंकि करना है, परंतु काम कर रहे हैं क्योंकि बच्चे से एस्केप करना है, ऐसा नहीं होता उनका। बच्चे को वो डिसिप्लिन भी कर सकते हैं क्योंकि चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है, वो भी कभी ऐसी बातें कर सकता है कि हमें उसको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत हो, तो बिना गिल्ट हुए वो डिसिप्लिन कर सकते हैं, कर पाते हैं बच्चे को। ना तो वो ऐसे होते हैं कि कुछ भी ना कहें लैक्स, और ना वो ऐसे होते हैं कि बहुत कठोर हों यानी हार्श। वो टीचर के साथ कोऑपरेट और कोलैबोरेट करते हैं कि बच्चे को किस प्रकार से हम ऐसे अनुभव दें कि बच्चे को हर प्रकार से उसका सकारात्मक विकास हो हर क्षेत्र में। तो यह बच्चे को स्वीकार करने की कुछ निशानियां हैं। आज इस ये टॉपिक पे हमारी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, परंतु समय ख़त्म है, इसलिए इसी बात पे पेरेंट्स के साथ कैसे पेरेंट्स को हेल्प करना है अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट करने में, इसके ऊपर हम कल भी बातचीत जारी रहेंगे। कल भी हमारा सत्र है इसी समय। सो सी यू ऑल अगेन टुमारो एट द सेम टाइम।